नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। संघ ने आज योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सहमति जता दी। तो क्या आगे योगी का नारा ही बीजेपी को चुनाव जिताएगा? बीजेपी का कोड वर्ड बटेंगे तो कटेंगे, क्या इस कोड वर्ड से जाति चक्रव्यूह विपक्ष का टूट जाएगा? आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की तरफ से बड़ा बयान आया। आरएसएस ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन कर दिया, अपनी सहमति जता दी। दो टुक कह दिया कि समाज में एकता के लिए जरूरी है कि जातियों भाषाओं में ना बटे। संघ की ओर से यह भी कहा गया कि हिंदुओं को तोड़ने वाली शक्तियां काम कर रही हैं। अब यूपी और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बयान के बाद महाराष्ट्र में विपक्ष के नेताओं में खलबली मच गई। सबसे पहली प्रतिक्रिया वहां से आई। विपक्ष के नेता एक एक कर सामने आए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से, और संघ और योगी के इस बयान को एक मुहावरा बता दिया, ध्रुवीकरण वाला बता दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले विपक्ष के मन में हार का डर पैदा हो गया है? क्योंकि योगी महाराष्ट्र में रैलियां करने वाले हैं, उनकी रैलियां तय की जा रही हैं। यूपी में भी इस नारे से बौखलाहट दिखी है और सपा की ओर से पहले ही खुद अखिलेश यादव इसे लैब का नारा बता चुके हैं। इसी पर हमारी आज की डिबेट, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, आप देख रहे हैं ना। जब जब हिंदू भाव को भूले, आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। तो संघ ने हरी झंडी दे दी है योगी के फॉर्मूले को, योगी के नारे को। नारा बटेंगे तो कटेंगे वाला, और इसके जरिए फॉर्मूला हिंदुओं को एकजुट रखने का फॉर्मूला, जाति सियासत के चक्रव्यूह को तोड़ने का भी फॉर्मूला, जिस पर चलकर बीजेपी न सिर्फ अपने बूथ को और मजबूत कर सकती है बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे पर सत्ता में लंबे समय तक बनी भी रह सकती है। योगी का ये नारा और फॉर्मूला अब टेस्टेड भी है। हरियाणा में उम्मीदों के उलट इस नारे ने कमाल किया। सत्ता से बाहर जाती दिखी बीजेपी ने रिकॉर्ड हैट्रिक जड़ दिया। इसके बाद तो तय हो गया कि विपक्ष की जाति वाली सियासत का चक्रव्यूह योगी का ये नारा और फॉर्मूला ही तोड़ सकता है। इसीलिए अब सीधे सीधे संघ से संदेश आया है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा वैमनस्य वाला नहीं बल्कि एकता बढ़ाने वाला है। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा। तो इतिहास कहता है, अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले, आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। ये हमारे गीत है, तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। संघ का ये संदेश यूं ही नहीं आ गया। हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद और यूपी महाराष्ट्र के चुनाव से पहले मथुरा में योगी और संघ प्रमुख भागवत की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में ये बैठक करीब आधे घंटे चली, जिसमें योगी ने संघ प्रमुख के सामने अपनी बातें दिल खोल कर रखी। बहुत मुमकिन है कि इस बैठक में हिंदू वोट बैंक को जातियों में न बटने देने पर चर्चा हुई हो और हरियाणा को नजीर मानकर ये तय हुआ हो कि हिंदुओं को एकजुट रखना है तो संदेश देना है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसीलिए संघ के 100 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जोर शोर से योगी के इस नारे का समर्थन कर दिया गया। हिंदू भाव को भूले, आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बीच चुनाव संघ का यह संदेश इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इससे एक सिग्नल मिला है
कि बीजेपी आगे किस रणनीति से चुनावों में जाएगी। सामने यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, 9 सीटों पर हिंदुओं को एकजुट तो किया ही जा रहा। महाराष्ट्र में भी कई उम्मीदवार मांग करने लगे हैं कि उनके इलाके में योगी की रैली रखी जाए। ये तस्वीर देखिए, जब मुंबई की सड़कों पर योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर लग गए थे। जाहिर है बीच चुनाव संघ के इस संदेश के बाद बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने वाली रणनीति और इस बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ मजबूती से आगे बढ़ सकती है। फिर बहुत मुमकिन ये भी है कि महाराष्ट्र के चुनावी मंचों से योगी की दहाड़ और उनके इस नारे की गूंज ज्यादा सुनाई दे। इसका ट्रेलर या यूं कहिए कि विपक्ष में बौखलाहट भी दिखने लगी है। कांग्रेस आरोप लगा रही कि आरएसएस का मंसूबा ध्रुवीकरण का है और योगी का ये जुमला महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये आरएसएस का हमेशा से मंसूबा ध्रुवीकरण की राजनीति करने का रहा है, बंटवारे की बात करने का रहा है, बंटवारे की राजनीति करने का रहा है। मुझे नहीं लगता है, महाराष्ट्र की जमीन एक अलग तरह की है, महाराष्ट्र के जनता का विचार एक अलग तरह का है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और ऐसे महापुरुषों का राज है, उनकी विचारधारा यहाँ पर चलती है, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस अपने मंसूबे में पूरा होगी। ऐसा है कि वो मुख्यमंत्री योगी जी, उनकी सभा की डिमांड होगी, इसलिए कि एक ही अभी इलाज इनके पास है, महायुति के पास, बीजेपी के पास एक ही है कि बंटवारा करो, समाज समाज में, धर्म धर्म में भेद करो, समाज में भेद करो, जाति में भेद करो, ये इसके लिए उनको योगी चाहिए। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि सब समान है। कांग्रेस की इस बौखलाहट की वजह भी है, योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 13 रैलियां की जिसमें 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते, यानी करीब 70% का विनिंग परसेंटेज। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों ही जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली, यानी 100% का स्ट्राइक रेट। अब सवाल यूपी उपचुनाव का है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का है। बीजेपी और संघ को पता है कि इन दोनों चुनावों में कामयाबी मिली तो एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर हालात बीजेपी के लिए 2019 जीत जैसे हो जाएंगे। 24 के चुनावी झटकों से पार्टी उभर जाएगी, इसीलिए संघ ने कमर कस ली है और बीजेपी तैयार है हिंदुओं को एकजुट करने वाले नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो खुलने जा रहा है देश के सबसे बड़े सूबे यूपी और महाराष्ट्र के चुनावों में। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। सवाल है कि हिंदू एकजुटता की बात हो रही है तो इससे दिक्कत क्या है और क्या ये जाति सियासत की काट है क्या? आपका परिचय में आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और निजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। दानिश कुरैशी, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, पहला सवाल आपसे है, क्योंकि पहली प्रतिक्रिया आपकी पार्टी से आई और बड़ी आपत्ति जता दी कि भाई ये नारा तो समाज बांट देगा, भेदभाव पैदा कर देगा। हिंदू एकजुट होता है तो इससे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, क्योंकि हार जाएंगे, हरियाणा वाला हाल हो जाएगा। राकेश जी, ये तो सब अपने अपने दिमाग और जो भाजपा का जो दिवालियापन का दिमाग है उसकी देन है। देखिए, कोई भी हो, कोई भगवान नहीं होता कि किसी ने कह दिया तो वो, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज कहे तो वो कानून बन जाता है। अनुमान और आइडिया लगते हैं तो अनुमान और आइडिया के लिए राजनीति में अपनी अपनी पार्टी, उसकी सहयोगी पार्टी, उसकी शेल कंपनियां, उसके मुकोटे चेहरे अपना अपना रणनीति बनाती है। उन रणनीति के तहत वो कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलने वाले को देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, कांग्रेस ने ऐसी ना तो कोई दिक्कत है ना कोई बात कही। अब किसी आप किसी को बैठा के कांग्रेस, बाला साहब थोराट हमारे नेता हैं, ठीक है। अरे बाला साहब थोराट ने भी कहा है सबकी शरम धर्म सद्भाव, आपके नेता बाला साहब थोराट ने भी कहा है। हाँ, बाला साहब थोराट हमारे नेता, हाँ हमारे नेता हैं, उन्होंने अपनी एक चर्चा करी, उन्होंने एक जेन्युइन चीजें कही हैं। लेकिन अब और कोई किसी को हम इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा। देखिए, आप कह रहे हैं, आप एनालिसिस कह रहे हैं कि साहब 13 रैलियां की, 9 सीट जीती। अरे अगर बात भगवान की होती तो 13 रैलियां कहकर कम से कम 13-54 सीट जीतते तो पता लगता। टोटली मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी और पूरी भाजपा सहयोगी और पारे मुख्यमंत्री के बाद ही 47 सीटें जीती हैं। हमारा वोट 12% बढ़ा है हरियाणा में और 6 सीट से ज्यादा। अरे आपका वोट परसेंट बढ़ गया फिर भी आप सत्ता से बाहर हो गए। अपने बीजेपी का आपके हिसाब से वोट परसेंट घट गया फिर भी उसने हैट्रिक जड़कर इतिहास रच दिया। आप 99 सीट पाकर उतने खुश है जितना वो 240 पर आप 99 को भारी बता रहे हैं।
तो आप जो आपने इतनी बातों में अजय वर्मा जी जो तीन चार बार ताली बजा दी सर, इसमें 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 आपकी आपकी मजबूरी समझ में आ रही है, करें क्या भाई, अब तो संघ भी इस नारे के साथ जुड़ गया। सुनिए जरा, नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले से ही जुड़ा हुआ, इनके आदर्श सहयोगी जो ईवीएम मशीन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, उसका जीत का धन्यवाद अब सेहरा उन्हें देना चाहिए, इनकी जीत कोई नहीं। लोकसभा के चुनाव में भी 80 सीट और कम होनी थी। अब आपका अपना आकलन है, आप अपना आकलन करिए, देश का अपना आकलन है, देश की जनता का अपना आकलन है, पैसे वालों का अपना आकलन है, हमारा अपना आकलन, लेकिन जो मैक्सिमम आकलन है 90% लोगों का, 1% को तो छोड़ दीजिए, वो इनके नीति निर्धारक ये लोग हैं, उनका यही आकलन था कि कैसे जीते गए सबको पता है, सबको पता है। अगर ऐसी कोई बात, अजय वर्मा जी, एक 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 आपको फ्री की एडवाइस है सर, सब करिए, सब करिए, आलोचना करिए, सवाल उठाइए सर, इस देश के वोटर्स का मजाक मत उड़ाइए। आपको वोट नहीं दे दिया तो ये आप नहीं कह देंगे कि बाकी पूरा सिस्टम खराब है। नहीं, आपको लगता है अंतरात्मा में झांकिए कि क्यों हार गए, और कम से कम हरियाणा की हार पर तो झांकिए ही, और उस पर सवाल से ज्यादा आलोचना करिए और खुद की आलोचना करिए कि जहां पर दिख रहा था सब कुछ थाल में सजा हुआ है, तो हरियाणा नहीं जीत सकते तो फिर कहां जाकर जीतेंगे। खैर, आरपी सिंह, ये सब आप लोगों का प्रोपेगेंडा है, ये अजय वर्मा कह रहे हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा क्या है, ये तो सच है। कांग्रेस की नीति है कि वह समाज को बांटे और चुनाव जीते, और आज से नहीं, लगातार ये कांग्रेस की नीति रही है। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी लेकर राजीव गांधी लेकर सोनिया गांधी अब राहुल गांधी, लगातार उनकी पार्टी की नीतियां ये रही हैं कि हम किस प्रकार से समाज को बांटे और उसके बाद हम चुनाव में जाएं। और इसमें कोई छुपी बात नहीं है, ये तो हर चुनाव में कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से एक तबके का वोट, स्पेशली मुसलमान वोट को फोकस करते हैं कि मुसलमान वोट कैसे ले लें, उसके साथ कोई एक आधा वोट, कोई एक परसेंटेज वोट, कोई कुछ एक तबके का वोट साथ जोड़ लें और राजनीति कर लें, अपने चुनाव जीत लें। इनका तो लगातार इसी बात पर फोकस रहा है, परंतु कभी इन्होंने बाकी सबकी तो बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, कभी इन्होंने कहा कि मुसलमानों की भी जाति है, उनकी भी चिंता होनी चाहिए, उस बारे में कभी चिंता नहीं जताती है। तब वहां कहते हैं मुसलमान सब एक हो जाओ, और ये राहुल गांधी के बयान है, उन्होंने कहा कि हम तो मुस्लिम पार्टी हैं, ये छपा हुआ है, आप कृपा करके चेक कर लीजिए इसको, कि कश्मीर में जाकर एक संपादक से कहा कि हम तो मुस्लिम पार्टी हैं। तो बड़ा क्लियर है कि उनकी कोशिश है कि हम किस प्रकार से हिंदू समाज को बांटे और हम किस प्रकार से मुसलमान वोट इकट्ठा करें और चुनाव जीते, ये इनकी राजनीति रही। अरे एक मिनट, अरे सर सुनिए, आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको अभी भेज देता हूँ वीडियो और कटिंग भेज देता हूँ जहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं, जहां कमलनाथ जी ने बंद कमरे में क्या कहा था, वो जो वीडियो सबके सामने है, जिसमें कमलनाथ जी ने कहा था कि आप हमको वोट डाल दो बाकी हम चुनाव जीते, मुसलमान हमारे को वोट डालते हम चुनाव जीते हुए। तो आपका कोई इसमें ठीक है, आपकी रणनीति है, आपकी अजय जी आपकी रणनीति आपको मुबारक हो, आपकी रणनीति आपको मुबारक हो, आप समाज को बांटने की कोशिश करें, हमारी कोशिश है ठीक है, हम समाज के हित की बात करें, राष्ट्र हित की बात करेंगे, हम समाज को जोड़कर चलेंगे, ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आरपी सिंह आता हूँ, धर्मेंद्र यादव एक सेकंड और दीजिए पांडे जी एक सेकंड, चलिए बोलिए पूरी करिए अपनी बात, पूरी सिर्फ एक सेकंड, समाज को बांटकर चुनाव कैसे जीते, सबसे बड़ा उदाहरण तो 1984 था, इन्होंने पूरे हिंदू समाज को पूरे समाज को सिखों के खिलाफ खड़ा कर दिया और 400 से अधिक सीटें जीत गए, याद है सारे सिखों को आतंकवादी बना दिया और बाद में चुनाव जीते, ये तो इनकी लगातार चुनाव में राजनीति रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, धर्मेंद्र यादव, आपकी पार्टी के नेता महाराष्ट्र के अबू आजमी भरे मंच पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में मुस्लिम एकता की बात करें तो ठीक है, लेकिन हिंदू एकता की बात हो गई तो क्या तो लैब वाला नारा है? इस देश में अगर हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो सबकी एकता की बात होगी, और समाजवादी पार्टी सबकी एकता की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है, बंटवाना और कटवाना भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, हिंसा करना हिंसा करवाना भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, किसने नहीं देखा बहराइच में, दंगा करना दंगा करवाना भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, नफरत घोलना अपने मन में जहर रखना ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। तो ये बात बहुत अच्छी है कि योगी जी ने पीडीए परिवार को ये संदेश दे दिया कि अगर आप बटोगे तो कट जाओगे, और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पीडीए परिवार एकजुट होकर के योगी जी को बताया कि हम ना बटेंगे इसलिए हम ना कटेंगे आपसे। एक तो धर्मेंद्र यादव, ये पीडीए का जो लगाव है ना आपका, वो दिखावटी लगाव है, और सर मेरे सामने मत किया करिए, ये पीडीए आपको अयोध्या में समझ में नहीं आता है जहां पीड़ित होता है, कन्नौज में नहीं समझ में आता है जहां पर पीड़ित होता है, पीडीए का रोना रोने आ जाते हैं। मेरा सवाल नहीं, धर्मेंद्र यादव,
आपने एक डेढ़ मिनट बोला ना सर, अब मेरे सवाल पर आ जाइए। नहीं 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 ठीक है, मैं सुन रहा हूँ सर, आप फिर बहराइच चले गए। एक दिन पहले भी आप मेरे साथ थे, मैं कह रहा था कि बहराइच फिर सवाल पूछूंगा कि आप रामगोपाल के साथ खड़े हैं, उसके परिवार के साथ खड़े हैं, कि सरफराज तालीम के परिवार के साथ खड़े हैं, आप बोल नहीं पाएंगे। तो सर मत इधर उधर भागा करिए, मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं। नहीं धर्मेंद्र यादव प्लीज, ऐसे आप टाइम खराब करते हैं डिबेट का। सुनिए सवाल सुनिए, हाँ तो मैं आपको फिर समय दे रहा हूँ, आपको समय दे रहा हूँ, सवाल सुनिए और सवाल का जवाब देने के लिए समय दीजिए। नहीं नहीं सवाल सुनिए सर, एक डेढ़ मिनट आपने बोला, जो आप सोच कर आए थे धर्मेंद्र यादव फिर बोल लीजिएगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि अबू आदमी भरे मंच पर मुस्लिम एकता की बात करें, 6-7-8 विधायक मिल जाए तो पता नहीं क्या कर देंगे, ये सब देख ले, माँ के दूध की ताकत देख ले तो ठीक है, लेकिन अगर कोई संघ अगर कोई पार्टी वो कहे कि हिंदू एकजुटता की बात, तो आप कहेंगे लैब वाला नारा है। ये सवाल है कि भाषण है पांडे जी, बताइए। नहीं नहीं सवाल है, सवाल जब नहीं सुनेंगे तो भाषण देकर सवाल सुनाऊंगा। आप सुनिए तो लैब, आप नाराज हो जाते हैं। नहीं नहीं मैं कोई नाराज नहीं होता, इस देश का संविधान हर धर्म के लोगों को नागरिक का दर्जा देता है और हर एक नागरिक को अपनी सुरक्षा अपनी रक्षा का अधिकार है, वो अपने धर्म की भी रक्षा करेगा उसका अधिकार है, इसमें कोई गैर संवैधानिक नहीं है। बात यहां मेन आज ये फंस गई है कि क्या मोदी मॉडल फेल हो गया क्या? अरे सुनिए ना, नहीं नहीं धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव एक लाइन का सवाल, मुस्लिम एकजुटता की बात ठीक तो हिंदू एकजुटता की बात गलत कैसे? अब सुन लीजिए, अब मेरी बात पूरी नहीं होने देते। नहीं नहीं इसलिए कि आप फिर सवाल से भाग रहे हैं ना। आरएसएस, अरे आप सवाल कहां पूछते हैं तो भाषण देते हैं, आप सवाल पूछिए। मुस्लिम एकजुटता की बात ठीक तो हिंदू एकजुटता की बात गलत कैसे? ये आपके नजरों में गलत है ना, हम तो कह रहे हैं। अरे आप कह रहे हैं हिंदू एकता की बात होनी चाहिए, सिख एकता की बात होनी चाहिए, तो ठीक है ना फिर, बौद्ध एकता की नहीं तो फिर तो ठीक है ना, बटेंगे तो कटेंगे फिर क्या दिक्कत है? होनी चाहिए देश के संविधान, ये हिंदुओं की एकजुटता के लिए बटेंगे तो कटेंगे में क्या दिक्कत है फिर? अब सुनिए पांडे जी, अगर 400 सीट आ गई होती ना भारतीय जनता पार्टी की, तो आज हम आप बैठ के यहाँ डिबेट नहीं कर रहे होते। कहाँ कर रहे हो? खत्म हो गया होता। अच्छा संविधान खत्म? नहीं नहीं यही नहीं नहीं ये भारतीय जनता पार्टी अवनिजेश जी, यही भ्रम लोगों के बीच में फैलाया इन्होंने कि 400 सीट आती तो संविधान खत्म हो जाता, 400 सीट आती तो ये हो जाता, 400 सीट आती तो वो हो जाता, लेकिन हिंदू एकजुटता की बात गलत है, मुस्लिम एकजुटता की बात ठीक है, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा इनका वोट बैंक उसी हिसाब से चलता है। पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से एकता के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब तक बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे, एक छोटी सी कहानी पढ़ते थे कि अलग अलग लकड़ियां हैं, उनको कोई भी तोड़ सकता है, उसका गट्ठर बना दिया गया तो कोई तोड़ नहीं सकता। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बांटो और राज करो की नीति पे चलते रहे, और चूंकि हम बटे हुए थे इसलिए गुलाम हुए। ये पहली बार है जब कह रहे हैं कि नहीं बांटो, बटे रहो। अगर कोई ये कह रहा है कि बटो मत, एक रहो, भैया मैं किसी के बीच में तो बोलता नहीं हूं, किसको खलबली मच रही है तो वो बाद में बोल लेगा। तो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि जो एकता के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं ये, अरे बचपन से बच्चों से ये पढ़ाया जाता है कि एकता में बल है, सब एक रहो। और योगी जी ने तो कहा एक रहो, एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो उस पर भी आपत्ति है कि नेक भी मत बनो। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि नेक बनने का समाजवादी पार्टी जो आतंकवादियों को से आरोप हटाने के लिए बाकायदा कोर्ट में जाती है और कोर्ट का जज कहता है कि आप अगर जाएंगे वहां, आप इनको इनको सिर्फ क्या छुड़वाने के लिए आए, बाद में आप इनको पद्मश्री भी देंगे, उस पार्टी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो कभी एक बात करने पीडीए अपने आप, भैया देखो राकेश मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। धर्मेंद्र यादव जी सुन लीजिए सर, आ गए ना फिर आप उस लाइन पर, हिंदू एकजुटता की बात हो गई तो नफरत फैलने लगी। अवनिजेश पहले अवनिजेश जी की बात सुन लीजिए, फिर धर्मेंद्र यादव आ जाऊंगा, और थोड़ा दानिश कुरैशी से सीख लीजिए, अभी तक उनकी बारी नहीं आई है लेकिन फिर भी इंतजार कर रहे हैं, तो रुक जाइए पहले सर, सबको बोल लेने दीजिए एक बार। अवनिजेश जी एक चीज और ऐड कर देता हूं, ये आज इतनी बौखलाहट क्यों है? क्योंकि संघ पूरी तरीके से समर्थन में, अब ये लगने लगा है कि पूरा कैडर अब चुनाव में इस तरीके अलग तरीके से स्ट्रेटजी बनेगी, इसलिए बौखलाहट है। पूरा राकेश जी कैडर का सवाल नहीं है, समूचा भारत वर्ष का वो समाज जो भारत को विकास और उन्नति की पराकाष्ठा पर देखना चाहता है, पिछले 10 सालों में उसने आर्थिक स्तर पर जिस और वैश्विक स्तर पर जिस प्रतिष्ठा की जो चरमोत्कर्ष देखा है, उससे कैसे अलग हो सकता है? लोग महसूस कर रहे हैं, लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं इस बात को। राकेश जी एक बात बड़ी साफ सी, मैं उस व्यक्ति, फिर ये बोला व्यक्ति बीच में, मैं एक बात बड़ी साफ सी कह रहा हूं, मैं बिना किसी इफ एंड बट के बटने के खिलाफ नैरेटिव चलाऊंगा, बटेंगे नहीं, कोई पीडीए नहीं, कोई डीडीए नहीं,
समूचा समाज एक होगा, समूचा समाज होगा। पीडी अपने आप में कभी खाम बना लेते हैं, कभी एमवाई बना लेते हैं, कभी वाईएम बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, कभी डीएम बना लेते हैं। ये बात जो है समाज को लगातार विभाजित करके सत्ता पर काबिज होना और सत्ता पर काबिज होने के बाद सिर्फ कुछ भाई राकेश जी क्या ठीक है धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव सर प्लीज, मैंने कहा ना कि मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा, 20 सेकंड और सुन लीजिए फिर उसके बाद आप बोल लीजिएगा। राकेश जी बिना किसी इफ एंड बट के कह रहा हूं, समूचा समाज जब एक होगा, क्या कहा योगी जी ने, राष्ट्र प्रगति की धारा पर, प्रगति के उस शिखर पर पहुंचेगा जहां अब तक हम कल्पना करते रहे। इसलिए बिना किसी इफ एंड बट के एक रहने की, और जहां पर एक नहीं रहे और जब भी एक नहीं रहे तब वहां पर हमने उन संकटों का, हमने विदेशी गुलामी का हमने दंश भोगा है। ठीक है, इसलिए बिना किसी वजह पूरे समूचे समाज को एक होना ही पड़ेगा। तो बोलिए जल्दी बोलिए फिर मैं दानिश के पास जाना है, जल्दी बोलिए। पांडे जी 2024 के चुनाव में अयोध्या में पीडीए परिवार एक रहा, नतीजा आपने देख लिया। 2024 के चुनाव में प्रयागराज में पीडीए परिवार एक रहा, आपने नतीजा देख लिया। 2024 में चित्रकूट में पीडीए परिवार एक रहा, आपने नतीजा देख लिया। पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, पीडीए परिवार एक रहा, और भारतीय जनता पार्टी को उससे कम सीटें मिली। ये चरमोत्कर्ष मुझे लगता है शायद पता नहीं होगा, इसके बारे में बताने की जरूरत है। आज समाज जाग गया है, समाज अपने हक की बात समझ रहा है। 17-22 में क्या हुआ था, उसका क्या नुकसान होगा ये बात समझ रहा है। 17-22 में क्या हुआ था धर्मेंद्र यादव, तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी क्या हुआ था 2014 के पहले, ये बता दीजिए। 2 सीटें थी कभी भारतीय जनता नहीं, तो फिर ऐसे सीट वाइज मत बात करिए ना, फिर या तो पूरे चुनाव के नतीजे की बात कर लीजिए। चलिए ठीक है, खैर आरपी सिंह इसका जवाब देंगे, मैं आऊंगा उन्हें। जी जरा एक पहले दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी सबसे ज्यादा मुस्लिम एकजुटता की बात आपकी पार्टी करती है, आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिम ही ना, चलिए आपका अधिकार भी है, लेकिन अगर कोई हिंदू एकजुटता की बात करे तो नफरत कैसे फैलती है इससे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं पांडे जी, सबसे पहली बात यह है कि ये जो छलावा है कि भाजपा और संघ एक हुए हैं, ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म के नाम पर चाहे समाजवादी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे ममता हो, चाहे और कोई भी हो, ये तमाम लोग आरएसएस के साथ एफिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तमाम लोगों से आप एफिडेविट ले लीजिए, समाजवादी पार्टी से पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में उनका कोई भी पदाधिकारी जो है वो संघ में ना जाता हो, ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देश को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, राजनीतिक द्वेष भी होता है, आप भी देखते होंगे, हमने भी देखा है, अलग अलग परिस्थितियां देखी है देश ने, आजादी के बाद से मुसलसल हम देखते आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक स्पेसिफिक राजनीतिक पार्टी के लिए काम करता हो तो बट ऑब्वियस है कि उसके विरोधी जो लोग हैं वो उसका विरोध करेंगे। लेकिन फिर भी आपने देखा कि अब से पहले चिड़िया मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत लगाव है संघ के साथ में, लेकिन उसके पहले भी आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के दौर में क्या स्थिति थी वो देख लीजिए। अगर राजस्थान की बात की जाए तो अशोक गहलोत के राज में तो 8,000 से ज्यादा नई संघ की शाखाएं बढ़ती गई, कमलनाथ के दौर में लगभग साल भर शायद चले थे वो, उस दौर में क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। अलग लाइन पर डिबेट को लेकर जा रहे हैं कि सपा कांग्रेस सबको आप कह रहे हैं कि भाई तुम लोग आरएसएस के पीछे लगे हुए हो, ये आपने एक अलग लाइन खींच दी, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा सर उसका भी जवाब दे लीजिए। हाँ मैं आपकी आपके पास और समय दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे सवाल पर भी आ जाइए कि मुस्लिम एकजुटता की बात ठीक, तो हिंदू एकजुटता में नफरत क्यों दिखती है? मैं बताऊं आपको, देखिए सबसे पहले जो एकजुटता की जो बात है ना, एकजुटता होनी चाहिए संवैधानिक, अब उसके बाद रह गई धर्म की एकजुटता, तो वो जो व्याख्या दूसरे जो पैनलिस्ट कर रहे हैं शायद कुछ परसेंट में उसमें इत्तफाक रखता हूं, क्योंकि जो अधिकार मिला है वो नागरिक के तौर पे मुझे मिला है, आपको मिला है, आपका मजहब आपको इजाजत देता है, मेरा मजहब मुझे इजाजत देता है, और अपनी सुरक्षा करना ये सबका अधिकार है, तमाम लोग कर रहे हैं, आप भी करिए, हम भी करेंगे, क्यों ना करें हम। अनुजय जी कुछ समझ आया नहीं? राकेश जी इसको इतने संकीर्ण रूप में नहीं देखा जा सकता। बात यह है, आपने एक सवाल पूछा कि अगर हमारे 2 की जगह 8 विधायक हो गए, अबू आजमी ने कहा, उसका जवाब नहीं मिला, किसी माई का लाल नहीं जो मुसलमान को हाथ लगा देगा। उत्तर प्रदेश में कहा कि इनका देखो भाई रिजल्ट आने तक, अभी 6 रिजल्ट आने के बाद जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का जब चुनाव हुआ 22 में,
तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कहते हैं कि भाई देखो इनको बदलना नहीं है, इनको भेजना नहीं है कहीं भी, इन पुलिस वालों को, इन अधिकारियों को, इनका पहले हिसाब किताब बराबर करना है। जो इस मानसिकता से संविधान और लोकतंत्र की बात करता है राकेश जी, उससे मैं क्या बहस करूं। यहां पर एक बात बड़ी साफ सी है और बिना किसी हिचक के कह रहा हूं, ये बात सिर्फ यहां की नहीं है। आप अजय वर्मा जी कह रहे थे कि 1% 12% बढ़ा है, हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के वोट परसेंटेज में कहां फर्क, कितना फर्क था? रेवंत रेड्डी के तेलंगाना में कितना परसेंट बढ़ा है वोट परसेंट? या तो आप वोट परसेंट पे बात कर लीजिए या जीत हार पे बात कर लीजिए, या नहीं ठीक है दानिश, 30 सेकंड आपको बोलिए। इसलिए अपने अपनी तरह से आप पैमाना नहीं ढूंढेंगे। दरअसल अबू हाजमी जो कहने की बात कह रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने की बात है महाराष्ट्र की राजनीति में। मैं ये कहता हूं कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला कोई भी आदमी, चाहे एमएलए नहीं भी होता, तब भी वो सड़कों पे मैदान में था और बिल्कुल शाइस्तगी के साथ, बिल्कुल अमन अमान के साथ में था। अबू हाजमी उसमें दिखाई नहीं पड़े। अगर जो अल्लाह के रसूल का नहीं हुआ वो किसका होगा, वो पूछ लीजिएगा। अब ये लीजिए धर्मेंद्र यादव, क्या कहेंगे आप दानिश कुरैशी को, मूर्ख बना रहे हैं अबू हाजमी? बिल्कुल बना रहे। राकेश जी जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, कोई किसी पार्टी का बी पार्टी अगर होता है तो पहले दूसरे को बोल देता है कि ये इस पार्टी का बी पार्टी है। कांग्रेस पे बोल दिया, बीएसपी को बोल दिया, समाजवादी पार्टी को बोल दिया और अपने आप को बचाने का प्रयास किया। लेकिन एक बात होती है कि किसी भी झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, फिर भी वो सच सामने आ ही जाता है। तो ये दानिश भाई का झूठ तो पूरा देश देख रहा है, किसके लिए काम करते हैं, किसके लिए काम नहीं करते हैं, ये उत्तर प्रदेश में किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश में किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो पूरा देश देखता है। बोलिए बोलिए दानिश, बोलिए पांडे बोलिए भाई बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुन लीजिए भारतीय उत्तर प्रदेश, आपको बताओ इस देश में मुलायम सिंह यादव जी अकेले एक नेता थे जिन्होंने ये दुआ की थी कि मोदी जी फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके बावजूद भी हम भी टीम है और मुलायम सिंह यादव दुआ देंगे कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री का पाबंदी लगाना चाहते हैं। तो ये है असल मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी लड़ाई 5,000 वर्षों से है। पांडे जी स्टेटमेंट निकाल के बताइए इनको, पांडे जी याद इनको स्टेटमेंट याद दिलाइए। नहीं नहीं, अच्छा दानिश एक बात बताइए, दानिश एक बात बताइए, आ रहा हूँ जी, अजय जी आ रहा, दानिश एक बात बताइए, ये जो आप बोल रहे हैं ये कहीं इसलिए तो नहीं है कि आपकी महाराष्ट्र यूनिट कह रही है भाई हमें भी गठबंधन में ले लो, उधर से कोई जवाब आ नहीं रहा है, तो ये गुस्सा तो नहीं है उस बात का? आपको एक बात कहूं, दरअसल दिक्कत यह है कि हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग बी टीम के लोग हैं, अरे नहीं मैं कह रहा हूँ जिस पर आप इतना गुस्सा उतार रहे हैं, आप उन्हीं के गठबंधन में जाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं बुला लो हमको शामिल कर लो। मैं आपको एक बात बताऊं, मुलायम सिंह यादव अगर ये कहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, ये मेरी दुआ है, तो इसका क्या मतलब है ये बताइए। चलिए फिर वही बात है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं देंगे और नहीं ऐसे कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अजय जी आ रहा। समाजवादी पार्टी से पूछिए, राकेश समाजवादी से पूछिए। दानिश भाई एक सेकंड सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ कौन किसकी बी टीम है। मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने से लेकर के महाराष्ट्र विधानसभा में से राज्यसभा भेजने तक के लिए किसने किसका वोट मांगा था, इन ये तमाम लोग घुटनों के बल ओवैसी साहब के सामने खड़े हुए थे, एक वोट की जरूरत है, और ओवैसी साहब ने विधानसभा से राज्यसभा भी भेजा कांग्रेस के कैंडिडेट को, और मनमोहन सिंह की सरकार को भी बचाया एक वोट। सुन लीजिए ना पहले, मैं बोल तो लू। और दूसरी बात यह है कि ये क्या करेंगे, आप इनके 5 उम्मीदवार जीतते हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ओवैसी साहब इतनी मेहनत करके जिताते हैं कहीं पे जा करके वो विधायक चुनाव के बाद खत्म हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं मालूम नहीं, किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो ये तो हालत है। तो किसकी बी पार्टी है ये, बी पार्टी कह करके ये शिवसेना किसकी बी पार्टी है, उद्धव ठाकरे किसकी है? जहां पर राजनीति में विचारधारा का कहीं कोई नहीं है, सावरकर को गाली देने वालों के साथ अगर कोई शिवसेना का अंश खड़ा है सामने, औरंगजेब की मजार पर मर्सिया पढ़ने वालों के साथ खड़ा है, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, और इस देश में औरंगजेब रोड नाम नई दिल्ली में लगा रहा, ये इस देश में लोकतंत्र की जो हकीकत है वो ये है भैया, हमें मुसलमानों से कोई डर नहीं है, मुसलमानों से कोई हमें किसी शिकायत नहीं है, लेकिन आप जब अपने आप को औरंगजेब के साथ जोड़ते हैं, औरंगजेब को नायक मानते हैं। ठीक है, बोलिए अजय वर्मा जी, बोलिए 30 सेकंड आपको भी बोलिए, फिर आरपी सिंह आता हूं।
राकेश जी, तू डाल डाल में पात पात, ये भारत संविधान से चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार है, लेकिन एक एजेंडा देश की सरकार का और उन लोगों का जो गोडसे की विचारधारा को चलाते हैं कि तू हिंदू हिंदू कर, मैं मुस्लिम मुस्लिम कर और सोशल फैब्रिक खत्म, बांटने का काम। अजय वर्मा जी, ये आप अपने गिरेबान में नहीं झाँकते क्या? कांग्रेस पार्टी के दर्जन भर ऐसे बयान में गिरा दो, सैफरन टेररिज्म से लेकर शिंदे तक कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की लाइन थी। सबसे पहले देश के संविधान का सुशील शिंदे ने क्या कहा था, जाकर सुन लीजिए सारे पॉडकास्ट में। चेहरे के रूप में गॉड से, तो ये बात तब आपको नहीं समझ में आती है जब मुस्लिम मुस्लिम की बात करते हैं, तो बताना चाहता हूँ फिर तो आपको सिर्फ एक नागरिक की बात करनी चाहिए। अपने गिरेबान में थोड़ा सा झाँक लिया करिए। गॉड से का देश नहीं है ये महात्मा गांधी का देश है जो आजादी में योगदान रहा है। ये उन लोगों का देश नहीं है जिन्होंने माफी मांग मांग के शहीदों को फांसी दिलवाई है। यहाँ शांति की बात चलेगी, यहाँ कटने बटने की बात नहीं चलेगी। अच्छा। यहाँ भारत एकता की बात चलेगी। हाँ। कुछ समय के लिए आप आ सकते हैं लेकिन परमानेंट नहीं आ सकते। और ये विचार नहीं, परमानेंट तो कोई नहीं है, लोकतंत्र में कहाँ परमानेंट होता है। परमानेंट आप भी नहीं रहे, परमानेंट ये भी नहीं होंगे भाई साहब। आप परमानेंट कोई कैसे हो सकता है डेमोक्रेसी में? लोग देखिए, आपने वो नहीं करा, आपने जनसंख्या किस में होती है, पॉपुलेशन की संख्या की वो नहीं कराई। अब 80 आप चले गए उधर, चलिए आरपी सिंह कुल मिला जुलाकर गुस्सा इस नारे का ही है, असल जड़ ये वजह है। और ऊपर से संघ का साथ। देखिए, अभी मुझसे पूर्व प्रवक्ता बड़े नारे जोर जोर से कह रहे थे कि देश को बांटने की बात करते हैं। मैं तो अभी साबित कर देता हूं कि मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस आज मुस्लिम पार्टी हो गई है। वो आपको एग्जांपल देता हूं, असम के अंदर इनका AODF के साथ समझौता रहा, कर्नाटका के अंदर इनका SDF के साथ समझौता था, इसी प्रकार से अभी हाल में वो पलके बिछाए बैठे थे इनके वो रेड्डी साहब, रेवंत रेड्डी साहब ओवैसी साहब के लिए गीत गा रहे थे, उनके गुणगान कर रहे थे तेलंगाना के अंदर, तो उनके साथ समझौता है। अरे सर आप देखो हो गया ना, कच्ची मिर्च लगती है। और कंधार कौन आतंकवादियों को छोड़ के जाता है? राकेश जी, मिर्च देखो कितनी लगती है, देखा ना मिर्च लगती है। अभी सुन लो, अभी लिस्ट लंबी है तो सुन लो जरा, मिर्च भी और लगेगी। और मुस्लिम लीग के साथ आप देखते हो, केरल के अंदर कल जो प्रियंका वाड्रा का जलसा था, जरा कृपा करके दिखा दीजिए, उसमें कांग्रेस का झंडा नहीं था, उस यात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं था। ठीक है सर, ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है। एक बात तो तय है कि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी, संघ का समर्थन, ये शायद विपक्षी दलों को यह लग रहा है कि इससे कहीं जातियों वाली सियासत बंद ना हो जाए। खैर, इसका क्या असर रहेगा, हरियाणा रिपीट होगा नहीं होगा, ये वक्त बताएगा, जनता तय करेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।